नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक डिटेल्ड फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो कि है हरियाणा ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, 99% यही कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ, मानकर चलिए इंस्पिरेशनल गुरुजी द्वारा एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स का एक सर्वे करने के बाद, और साथ में ये भी बता दूं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के सर्वे भी देखे हैं और उनकी कट ऑफ का भी एक एनालिसिस किया है, उसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो कि मैं आपको 100% नहीं कह सकता, लेकिन 99% एग्जैक्ट यही कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए पहले हम इसके फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं, क्या थी ग्रुप डी की भर्ती और क्या उसका प्रोसेस रहा। ग्रुप डी में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था दोस्तों, उसके एग्जाम आपके 10, 11 और 17-18 नवंबर को लिए जा चुके हैं। रिटन एग्जाम, उसमें सेक्शन जो क्राइटेरिया था आपका दोस्तों वो था रिटन एग्जाम। टोटल 100 मार्क्स थे, लेकिन उसमें से 19 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हुआ था और 10 मार्क्स आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस पर दिए जाएंगे। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसमें आपको मिलेंगे? पहला था, अगर कोई भी पर्सन घर में फादर, मदर, स्पोज, ब्रदर्स एंड सन्स इज वाज और हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेट ऑफ हरियाणा और सेंटर के या किसी अदर स्टेट में, यानी सरकारी जॉब में हो, तो उनको ये नहीं दिया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक्स का, उनको मतलब अगर नहीं है तो उनको ये 10 मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया था ऑर्फन यानी अनाथ और विडो, कोई विधवा हो, यदि एप्लीकेंट विधवा हो या किसी जो एप्लीकेंट है वो फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हो अपने फादर का, जिनकी एज उनकी 42 उम्र से पहले डेथ हो चुकी हो, उनको 5 मार्क्स का क्राइटेरिया था। फिर अगर एप्लीकेंट फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड हो और उसके फादर जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी हो जब उसने 15 साल पूरे किए हों, तो उसको भी 5 नंबर का ये क्राइटेरिया आपको दिया गया है। फिर एप्लीकेंट बिलोंग टू द सच डिनोटिफाइड ट्रिब्यूट विमुक्त जातीज एंड तापड़ीवास जातीज और नोमेडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज नाइदर ए शेड्यूल कास्ट नोर ए बैकवर्ड क्लास, उनको भी 5 नंबर, एक्सपीरियंस 1/2 यानी आधा नंबर मिलेगा आपको हर साल का, यानी 2 साल का आपको एक नंबर दिया जाएगा अगर आपका एक्सपीरियंस 6 महीने से ऊपर है किसी भी डिपार्टमेंट में आउट ऑफ मैक्सिमम 16 ईयर्स यानी 16 साल तक। टोटल आपको इसमें 8 मार्क्स का ये क्राइटेरिया रखा गया था, और लेकिन उसमें ये भी कंडीशन है कि किसी भी कैंडिडेट को 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में द वेटिंग लिस्ट फॉर द वैकेंसीज अप टू 25 यानी 25 नंबर तक जो वैकेंसीज थी उनमें 25% वेटिंग लिस्ट आएगी। फिर जो 25 से 50 में थी उनमें 15% वैकेंसी आएगी, और जो 50 से ऊपर की वैकेंसी थी उनमें 10% की वेटिंग लिस्ट आएगी। मिनिमम ऑफ 2 कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग सिलेक्शंस। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, देयर विल बी नो इंटरव्यू और नो वाइवा वॉइस। तो इन क्राइटेरियाज पर हमने मेनली फोकस किया, और उसके बाद में जो फैक्टर हमारे डिसाइडिंग है कट ऑफ के, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको यहां बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आई थी वो थी 18,218। और अभी एक ऐसी खबर भी आ रही है अंदरूनी सूत्रों से कि इस वैकेंसी में शायद 6,000 या 10,000 ऐड कर दिए जाएं। ये एक अनऑफिशियल न्यूज है, इसका ऑफिशियल अभी तक कोई पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हो सकता है जो गवर्नमेंट है वो अदर वैकेंसी निकाल दे, लेकिन हम इसको साइड करेंगे, इसको हमारे इस जो हम डिसाइड करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट क्या होगी उसमें ये क्राइटेरिया हम छोड़ रहे हैं। हम टोटल फोकस करेंगे अपनी 18,218 वैकेंसीज पर। साथ में कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए, तो अप्रोक्सीमेटली 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था दोस्तों, बहुत ही भारी संख्या में ये एग्जाम दिया गया था लोगों ने। तो इसके हिसाब से पर सीट जो कंपटीशन था आपका, 61 स्टूडेंट्स पर सीट के लिए एग्जाम फाइट कर रहे थे, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पर कंपटीशन था। और 3 टाइम्स जब आप स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे तो 54,654 स्टूडेंट्स को आपने क्लियर करना ही करना है गवर्नमेंट ने। तो इस हिसाब से आपका कंपटीशन परसेंटेज दो है 20 कैंडिडेट्स पर सीट हो गए हैं। तो फिर भी अगर आप कट ऑफ जब डिसाइड करोगे तो 20 स्टूडेंट पर सीट आप डिसाइड करोगे, तो ये बहुत ही टफ कंपटीशन है। और इन सभी क्राइटेरियाज को देखते हुए और जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले बताई थी उनको देखते हुए और आंसर की आने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हमने किन किन चीज़ों पर गौर किया है। कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं जो ये हमारे है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके अलावा जो चीज हमारे ध्यान में आई, मैंने यहाँ पर जितने भी आपके चैनल्स थे यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने सर्वे करवाया था उनके सर्वे का एक डिटेल स्टडी की भी, कितने परसेंट स्टूडेंट ने अपना स्कोर क्या किया। अब देखो दोस्तों, चाहे 10% स्टूडेंट ये कहें कि मेरा स्कोर 70 से ऊपर है,
तो 11 लाख के 10% कितने बनते हैं, 110,000 स्टूडेंट बनते हैं, और उन्होंने क्लियर कितने करने हैं, 54,000 स्टूडेंट्स को क्लियर करना है, तो वो आ रहे हैं ना 1 लाख, उसका डबल हो जाता है। तो बहुत से ऐसे YouTube चैनल थे जिनका जो सर्वे किया गया था उनमें से 10-12% स्टूडेंट ये कह रहे थे हमारा स्कोर 70 अबाउ है। तो ये बहुत ही एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया हो जाता है हमारी वैकेंसीज में कट ऑफ क्या जाएगी उसको डिफाइन करने के लिए, जब 10-12% स्टूडेंट ये कहते हैं। लेकिन 10-12% वो किस में थे आपके, वो एक स्मॉल ब्रैकेट था, एक स्मॉल एक ऐसा पूरा ब्रैकेट था, जैसे 10,000 या 5,000 स्टूडेंट, तो टोटल आपके कितने स्टूडेंट होंगे सारे जब मिलाकर हम देखते हैं, तो मान लीजिए 50,000 लोग उस सर्वे में शामिल हुए, तो 50,000 लोग क्या हो सकते हैं 11 लाख का 5% हुआ, 5% से भी कम हुआ, लेकिन उनमें से अगर 12% कहते हैं ये, तो डेफिनेटली एग्जाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था और स्टूडेंट ने अच्छे अटेम्प्ट भी किए थे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट क्या रहने वाली है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट ना होकर आपकी 99% यही कट ऑफ फाइनल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो जी हाँ, ये रही आपकी कट ऑफ लिस्ट जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। जनरल की जो आपकी आउट ऑफ 90 रहेगी वो 64 रहेगी, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बाद में 70 आपको स्कोर करना पड़ेगा। 70 अगर आपके स्कोर बन रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बाद में, तो आपको बधाई हो, आप हरियाणा ग्रुप डी के उस क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हैं, जिसके लिए आपको ग्रुप डी की भर्ती में सिलेक्शन मिल जाएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। 70 कम से कम 70 आपको स्कोर करना है, ऊपर मेरिट कितनी जा रही है वो तो आगे की बात है। फिर आपका BCA के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 90 में से 59 स्कोर तो करना ही करना था, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बाद में 65 का स्कोर उनको डेफिनेटली करना है। 65 से ऊपर कितनी चली जाती है वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम अगर आपकी 65 का स्कोर आप बना रहे हो तो आप क्वालिफाई कर रहे हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। BCB का काफी टफ कंपटीशन है जनरल के साथ, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस रहता है 63 आउट ऑफ 90, और 100 में से आपको 68 का स्कोर करना पड़ेगा। तो ये टफ कंपटीशन चलता हुआ जनरल और BCA BCB के बीच में। तो जो कैंडिडेट BCB से रिलेट करते हैं 68 मार्क्स अगर वो लेके आ रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से बधाई हो, इंस्पिरेशनल गुरुजी परिवार की तरफ से बधाई, आप जा रहे हो कट ऑफ क्राइटेरिया से पार। फिर SC के जो स्टूडेंट हैं उनको 90 में से 54 और 100 में से उनको 59 का स्कोर करना है, अगर आप कर रहे हो तो आपको बधाई। ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 50 मार्क्स तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे, तो इतना जबरदस्त कंपटीशन है दोस्तों, 50 मार्क्स उनको करने पड़ेंगे और 5400 में से करने पड़ेंगे, उनको करने ही पड़ेंगे, इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 45 आपको 90 में से, यानी 50% और 50% का क्राइटेरिया आपके लिए 100 में से रहता है। तो ये हमने आपको कट ऑफ बता दी है जो 99% सही रहने वाली है, जो हमने हमारे फैक्टर डिसाइड किया आपके साथ, जो क्राइटेरिया हमने तय किया। यहां मैं बता दूं मैंने कोई सर्वे नहीं करवाया किसी से भी, लेकिन मैंने एक ओवरऑल कंसोलिडेट स्टडी की है सभी यूट्यूब चैनल्स की, सभी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठती है, उसने उसको डिफाइन किया है अलग अलग मेथड से, उनके तर्क थे और उसके बेस पर हम ये आपके लिए कट ऑफ लेकर आए हैं। तो आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी आप का अगर सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं, आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा उसका। तो जो कैंडिडेट, एक बार फिर बता देता हूं, 70 जनरल में, 65 BCA, 68 BCB, 59 SC, ST में 54 और EX सर्विसमैन के 50 अगर स्कोर कर रहे हैं तो उनको इंस्पिरेशनल गुरुजी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जा रहे हैं ग्रुप डी की कट ऑफ से पार और आपका फाइनल सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इस पर डिपेंड करेगा कि फाइनल कट ऑफ मेरिट क्या जाती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अदर स्टेट का भी इसमें बता देता हूं, आपको 70 ही करना पड़ेगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे होते हैं, तो 70 से कम तो आपका भी चांस नहीं है। मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 70 का स्कोर तो करना ही पड़ेगा। तो अगर इस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप सभी को इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप वायरल कीजिए, आप फैला दीजिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट में किसी तरह की कोई गलतफहमी या कंफ्यूजन ना हो, वो अलग अलग चैनल्स पर उनको जानने की जरूरत नहीं है। अगर डाटे भी हैं तो कम से कम एक बार इस कट ऑफ को अपने दिमाग में रखें। अगर आप ये क्राइटेरिया पार कर रहे हैं तो आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। तो आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। हमारे फेसबुक पेज ड्रीम सक्सेसर को भी फॉलो करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर iGuruji27 और ट्विटर पर iGuruji27 #से फॉलो कर सकते हैं।